हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज और आप देख रहे हैं सरोज झारखंडी ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं और इस ब्लॉग में मैं दिखाऊंगा वाट्स लेक पार्क, जो कि शिलोंग पीबी जो है पुलिस बाजार उसके जस्ट सामने 200 मीटर का दरमियान में ये वाट्स लेक पार्क है। तो इस पार्क में काफ़ी कुछ खास होने वाला है और इस पार्क में जो कि पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मेघालय इस पार्क में उसको पहनाया जाता है, चार्जेज है उसको पहनने के बाद जो है फ्रेंड्स आप आगे बढ़ोगे और उस ड्रेस में ड्रेस का मजा लोगे कि हर लोगों का शौक होता है कि अगर मेघालय घूमने में आ गया तो इस प्रकार से हर लोगों का एक सोच होता है इस ट्रेडिशनल ड्रेस को पहनने का। तो मैं दिखाऊंगा कि ये ट्रेडिशनल ड्रेस का क्या चार्ज है, कहाँ पहना जाता है। साथ ही साथ फ्रेंड मैं दिखाऊंगा ये भी कि इस पार्क में और क्या क्या है, क्या क्या खास है, ये सारा कुछ दिखाऊंगा मैं। तो ब्लॉग में आप अंत तक बने रहे, काफ़ी मजा आने वाला है। और अभी सुबह सुबह का टाइम है जो कि अभी भीड़ थोड़ा कम है, थोड़ी देर बाद यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं जितना हो सके मैं पूरा दिखाऊंगा कहाँ से हम टिकट लेंगे, कहाँ से हम इन करेंगे और कैसे कैसे हम आगे की ओर आएंगे और पहले किधर जाएंगे, लेफ्ट राइट, ये सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स फाइनली हम इन कर गए हैं वाट्स लेक पार्क, जो कि शिलोंग पीबी से 200 मीटर का डिस्टेंस में ही है। और फ्रेंड्स हम देखते हैं यहाँ क्या कुछ खास होने वाला है। शिलोंग का, जैसे कि मैं अपने ब्लॉग में पहले दिखाया हूँ कि शिलोंग का बेस्ट और सबसे बड़ा चौक, मेघालय का सबसे बड़ा चौक बोला जाए पीबी पुलिस बाजार फुल फॉर्म, तो उसका जस्ट बगल में 200 मीटर का डिस्टेंस में ये पार्क है फ्रेंड्स। तो देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे कि सामने दिखाई पड़ रहा होगा ये खासी ट्रेडिशनल ड्रेस जो है, ये महिलाएं खासी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के किस प्रकार आनंद ले रही है आप देख रहे होंगे। इनका खुशी जो है खुले नहीं समा रहा है, इतना खुशी इनका है। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे उनके बाल बच्चे भी हैं, जो कि किस प्रकार से ड्रेस के साथ पीछे जो येलो येलो फूल है ये सारा कुछ मैचिंग हो गया है। तो फ्रेंड देख रहे होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम दिखाते हैं इधर एक छोटी सी बच्ची, नन्ही सी बच्ची जिसको ये ड्रेस पहनाया गया है और ये बच्ची काफ़ी खुश है, देखिए। तो फ्रेंड्स देख रहे होंगे हाई कर रही है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से है फ्रेंड्स, ये यहाँ से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देख रहे हैं बच्ची जो है काफ़ी खुश नज़र आ रही है, देख रहे होंगे साथ में इसके पापा जी हैं, क्योंकि ये लोकल खासी है यहाँ के, गारो खासी जो जनजाति होते हैं ये लोकल की ये बच्ची है। साथ ही फ्रेंड इधर जो वाट्स लेक में अंदर में एक जो झील है, तो झील में बोटिंग भी होता है, तो हम बोटिंग का सारा कुछ देखेंगे फ्रेंड्स, कितना बोटिंग का चार्ज है। ये स्पीड बोट नहीं है, ये नॉर्मल बोट ही है, जो कि नॉर्मल बोट का टाइमिंग और कितना यह चार्ज है, प्लस 2 सीटर और 5 सीटर का क्या चार्ज है, क्या टाइमिंग है, जो कि टाइमिंग में भी ऊपर नीचे है, ये 15 मिनट और 30 मिनट, जो भी डिटेल है फ्रेंड्स हम सारा कुछ दिखाते हैं। तो अभी देख पा रहे होंगे ब्लॉक में कि किस प्रकार ये लोग जो है मैनुअल बोट में जो है मज़ा ले रहे हैं, पैर में पैडल लगा हुआ जो बोट है ये किस प्रकार से ये बोटिंग का आनंद ले रहे हैं, देख रहे होंगे फ्रेंड किस प्रकार से है। देखें पैर से जो है एक तरफ से मेल, एक तरफ से जो है हस्बैंड और दूसरी तरफ से उनकी वाइफ है, ये दोनों मिलके पैडल मार रहे हैं और देख रहे होंगे मेरा सामने से गुजर रहा है। और दूसरे बोट पे देख रहे होंगे कि दो ही लोग बैठे हैं। साथ ही साथ फ्रेंड ये जो मेरे बगल से जो बोट गुजरा है ये फैमिली है, जो कि एक ही फैमिली के लोग हैं, ये काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर।
तो फ्रेंड इससे आगे देखते हैं और हम आपको पूरा दिखाएंगे इसमें आगे और देखते हैं बोटिंग का क्या चार्ज है, क्या सिस्टम है। साथ ही साथ हम वहाँ भी चलेंगे जहाँ ट्रेडिशनल ड्रेस जो पहनाती है मैडम, और क्या चार्ज है, कितना देर का क्या है, तो वो भी देखेंगे फ्रेंड। तो देख पा रहे होंगे ये किस प्रकार से पार्क घूमने आए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड आगे, आप ब्लॉक में बने रहें। तो वो दिख गया सामने जो कि खासी ट्रेडिशनल ड्रेस का बोर्ड दिखाई पड़ रहा है। तो ये पहुंचने वाले हैं किस प्रकार से, जो लोग वहां से निकल रहे हैं पहन के, देख पा रहे हैं योद्धा हाथों में तलवार लिए योद्धा निकल रहे हैं। साथ ही साथ देख रहे हैं कि ये योद्धा का अपना पोज दिखाते हुए काफी खुश हैं इस ड्रेस में। देख रहे होंगे ये शायद कैमरे को देख के ये लोग जो है अपना इस प्रकार का कला दिखा रहे हैं। देख रहे होंगे आप, देख पा रहे हैं खासी ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के किस प्रकार से ये लोग में लग रहे हैं योद्धा, एंजॉय ले रहे हैं। बस पैरों में जूते अगर ना होते, स्पोर्ट्स शू के जगह अगर राजा महाराजा का जूता होता तो बाकी में ये योद्धा ही लग रहे हैं, बाकी में क्षेत्रीय ही लग रहे हैं। अरे हार के लगता है तलवार फेंका गया इनका। हम आगे देखते हैं और किस तरह का होने वाला है। देख पा रहे हैं कैसा एंजॉय कर रहे हैं ये लोग, देख पा रहे हैं। मार दिया, मार दिया। देखते हैं फ्रेंड खासी ड्रेस का जानकारी लेते हैं। फ्रेंड्स यहीं पे ट्रेडिशनल ड्रेस जो है यहीं पे पहनाया जाता है, जो कि मैं दिखाता हूँ किस प्रकार से लोग पहले ट्रेडिशनल ड्रेस का पहन के किस प्रकार से आनंद लिए हैं और आनंद लेके किस प्रकार से लोग फोटो खिंचाएं। सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो ऊपर सरदार जी और उनकी मैडम जी दोनों साथ में, उसके नीचे देखिए और एक मैडम, साथ ही इधर छोटे बच्चे भी हैं जो कि इस प्रकार से छोटे बच्चे इन्होंने इस ड्रेस का आनंद उठाया है। इधर ऑल फैमिली, क्योंकि पूरे फैमिली ने भी एक साथ ही इस ड्रेस का आनंद उठाया। उसके बाद हम देखते हैं ऊपर अंकल आंटी ये लोग भी इस ड्रेस का आनंद उठाया है, साथ ही ये छोटे बच्चे जिनको ठीक से खड़ा होने भी नहीं आता, इन्होंने भी इस ट्रेडिशनल ड्रेस का आनंद उठाया है। तो हम आगे दिखाते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे होता है ट्रेडिशनल ड्रेस पहनाया जाता है। कितना देर में ये तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए, लगता है अब तैयार हो गए हैं। इनका पगड़ी रेडी हो गया है और कुछ बाकी है लगता है इनका। ये माला है जो कि ऊपर से पहनाया जाएगा और साथ ही साथ इधर फूल का जो है फूल का ये गमला है, जो कि ये फूल का एक एक महिला लोग जो है एक एक ये फूल का लेगी और ये लगता है ये तैयार हो गए। देखते हैं किस प्रकार ये लड़ाई के लिए निकलते हैं किस प्रकार, देखते हैं इनको। अभी अपना तरवाल उठाएंगे तो देखते रहिए वीडियो में किस प्रकार से निकलते हैं। लड़ाई में जाना है, पूरी तैयारी तो होनी चाहिए। बढ़िया वाला तरवाल देख लो ताकि दुश्मन को एक ही बार में वो बाहर हो सके। फाइनली इन्होंने तरवाल उठा लिया, वैसे ही खड़ा रहना। ये रेडी हो गया, वही साइड खड़ा हो जाओ, हाँ इधर घुमाओ।
इनसे बात करते हैं कि ट्रेडिशनल ड्रेस का पहनाने का क्या इनका चार्ज है और कितने देर तक का ये पहनाते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और पूरा रूबरू होते हैं कि किस प्रकार इनका चार्ज है, कितना देर के लिए दुकान का ओनर से, ताकि कोई भी टूरिस्ट आए तो अच्छे से मज़ा ले ले, आनंद ले इस ड्रेस का। हम इनसे बात करते हैं अभी दुकान के ओनर से। बात की है, ये एक ड्रेस का है 100 रुपीज़ है, यानी सिस्पा। एक ड्रेस पहनोगे तो 100 रुपीज़ उनका चार्ज है, जो कि उसको पहन के घूम फिर के आके फिर यहाँ पे उतार देना है। और ये मैडम रेडी भी करेगी और ये मैडम फिर से आपसे पैसे लेगी। कितना बढ़िया है मैडम, एक बार इधर देख लो तो खाली हाई कर दो एक बार। हाँ, यही मैडम है जो कि ये रेडी करेंगे आप लोग को यहाँ। उसके बाद हम इधर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है बोट हाउस वार्ड लेक, तो यहाँ से आगे हम जाते हैं तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले इधर बोटिंग के लिए है, जो कि आपको यहाँ बोटिंग के लिए यहाँ से टिकट लेना होगा और टिकट लेने के बाद आपको बोट दिया जाएगा, उस बोट में आप बोटिंग करोगे। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 4 सीट, मतलब 4 सीट का अगर लेते हो तो 25 मिनट का चार्ज 200 रुपया लगेगा। साथ ही साथ 4 सीटर फोर 45 मिनट, अगर आप 45 मिनट तक बोटिंग करोगे तो आपको चार्ज देना होगा 250। साथ ही साथ अगर 5 सीटर का लेते हो और 25 मिनट करते हो तो 260 रुपया प्लस 20 रुपया लेगा विद बटन। उसके बाद हम देखते हैं 5 सीटर का ही 45 मिनट अगर हम बोटिंग करेंगे तो कितना लेगा 360 रुपये। साथ ही साथ अगर हम 6 सीटर का बोट लेते हैं 25 मिनट के लिए तो 300 रुपया प्लस 40 रुपया लेगा। 6 सीटर का 25 मिनट बोटिंग करते हैं तो 600 रुपया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से यहाँ पे जो है चार्ज है इनका, और इसी चार्ज से आपको बोट दिया जाएगा टाइमिंग के अनुसार, तो टाइमिंग के अनुसार ही आपको बोट यहाँ पे जमा करना है। तो यहाँ पेमेंट का दोनों मेथड है, जो कि देख पा रहे हैं आप ऑनलाइन इंडियन ओवरसीज बैंक का यहाँ पे लगा हुआ है इनका बार कोड, तो ऑनलाइन पेमेंट करके भी आप जा सकते हैं या फिर कैश भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इससे आगे दिखाते हैं बोटिंग का और क्या क्या इनका है। इससे आगे बढ़ने के बाद जो है यहाँ से उतरा जाता है, उतरने के बाद इधर प्लेटफॉर्म बना हुआ है और साथ ही साथ जैसे आप यहाँ उतरोगे, उतरने के बाद आपको जो लाइफ जैकेट यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइफ जैकेट पहनना है। लाइफ सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है यहाँ पे। लाइफ जैकेट पहनने के बाद आप बोटिंग में जाओगे, लेकिन आजकल क्या है कि हीरोगिरी के कारण लाइफ जैकेट नहीं पहनते हैं, जिस कारण देख पा रहे हैं कि बिना लाइफ जैकेट का ही ये लोग बोटिंग में गए हैं। लेकिन जो समझदार लोग थे वो लाइफ जैकेट पहनते हैं, जैसे कि दूर में देख पा रहे होंगे एक बोट जो है वो अंकल जी ने लाइफ जैकेट लगा लिया है। तो इस प्रकार से है फ्रेंड यहाँ पे बोटिंग। और हम दिखाते हैं इधर किस प्रकार से जो है वाट्स लेक को दूसरे साइड से जुड़ा गया है, जो कि पुल का माध्यम से, और वो पुल जो है पूरी तरह से लकड़ी से बना है, उसमें सीमेंट यूज नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम आपको वो भी दिखाते हैं कि किस प्रकार से है। ये मामा जी जो है कि लाइफ जैकेट को ठीक कर रहे हैं, आज लगता है काफ़ी टूरिस्ट आने वाले हैं जिस कारण। तो फ्रेंड्स, हमने बोटिंग का देख लिया, अब हम आगे देखते हैं लकड़ी से बना हुआ पुल। यही टिकट काउंटर है और आप टिकट लेने के बाद फ्रेंड्स
अगर काफ़ी जो भीड़ हो जाता है तो उसी टाइम पे आप यहाँ पे बैठ के अपने बारी का इंतज़ार करोगे, जो कि टिकट में नंबर होता है, तो नंबर सिस्टम से चेक कर करके आपको वोटिंग कराया जाएगा, वोटिंग के लिए आपको नाम दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से है वार्ड सिलेक्ट। अब हम आगे की ओर देखते हैं और क्या है खास। फिर हम आगे देखते हैं। फ्रेंड्स यही वो ब्रिज है जो कि पूरी तरह से लकड़ी से बना है, लेकिन अभी ब्रिज में किसी कारण से खराबी आ गई है, जिस कारण यहाँ पे अभी इसको नो एंट्री कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला ब्लॉग हम जब भी दिखाएंगे जिसमें ये ब्रिज खुला रहेगा, उस टाइम पे ही हम अगला ब्लॉग यहाँ का दिखाएंगे। प्रकार से यहाँ पे है नज़ारा यहाँ का। मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यह है वर्ड्स लेक का। ठीक है कल देख लेना। नहीं नाखेंगे यार, एक मिनट। आ जा।